हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी हम लोग जा रहे हैं इंडोनेशिया बाली में, और अभी चेकिंग चालू हो गई है। थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा, इसलिए मैं जल्दी बोल दिया, तो चलो चलते हैं। सो अभी हम लोग 0050 सिंगापुर जा रहे हैं। तो अभी वॉशरूम आया था, अभी हम लोग को जाना है गेट नंबर 7 में, इमिग्रेशन के लिए आ गए। सो चार्जिंग 81% हो गया और गेट भी ओपन हो गया, तो चलो अभी गेट पे जा रहे हैं। सिंगापुर। सो सीट पे आ गया हूँ, मम्मा पापा आगे वाली सीट पे हैं, मैं इधर विंडो। बिल्डिंग बदल गया, छोटी मैं ये निकाल के सो जाऊँगा। सिंगापुर एंड 8 hours का ले ओवर है, तो देखते हैं। हमारे पास वीज़ा है, पहले भी आए थे, आपने व्लॉग देखे होंगे, तो हम लोग बाहर निकल जाएंगे एयरपोर्ट के। तो यस, लेट्स गो। 5 बजे सिंगापुर सिटी में आ गए हैं। 8 घंटे का ले ओवर है, तो इधर घूम लेंगे। तो गाइस अभी हम लोग डोसा वगैरह खाने जा रहे हैं, तो पापा का कुछ काम है तो पापा जा रहे हैं, और हम लोग खाकर आएंगे एयरपोर्ट में आएंगे सब। तो यस, लेट्स गो। ये इधर का मैप है, पहले जब व्लॉग में था वो भी दिखाया था मैंने, तो चलो चलते हैं। तो डोसा वगैरह खा कर अभी हम आटी आ गए हैं, और अभी डायरेक्ट जा रहे हैं चांगी एयरपोर्ट, पापा उधर ही मिलेंगे हमें, तो चलो चलते हैं। सो फाइनली एयरपोर्ट आ चुके हैं, ये मेट्रो के कनेक्टिंग ही है एयरपोर्ट। सभी टर्मिनल 2 से फ्लाइट है, 3:10 को बोलेंगे, 2:30 हो चुका है, तो लेट्स गो। पहुँच गए और वो देखो बोरे, अभी जो काम होना था हो गया, अभी चलते हैं अंदर। अभी तो चेक इन हो गया, सिंगापुर बाली। सो जस्ट लैंडेड इन बाली एयरपोर्ट। बोलिए
और भी काउंटर जा रहे हैं। लगेज कलेक्ट कर लिया, अभी हम लोग जा रहे हैं कैब करने, और पहले देखते हैं मनी एक्सचेंज भी करवाना है। यस लेट्स गो। इधर एक USD की वैल्यू है 15,100, मतलब एयरपोर्ट पे इतना एक्सचेंज होता है, बाहर 1600 है। सो यस, अभी जो टैक्सी ली उसका पेमेंट था 2,50,000। इंडिया में कुछ 1100 रुपये है। एंड यस, और इधर सिम मिल रहा है 4,00,000 रुपये का, 4,00,000, 5,00,000, 7,00,000 ऐसे ऐसे करके है पर GB। ये दिखाता हूँ, 30 GB, 250 GB, 3 बाली एयरपोर्ट इधर हम जा रहे हैं, और इधर ब्लैक शीशे। ये जिम है अंदर, ये देखिए। ओह, मेरा कैमरा देखो कैसा हो रहा है उसको देख के। इंडोनेशिया में फेमस है देखना UFO वगैरह की इस टाइप की। ये देखो मेरा कैमरा ऐसे ही अपने आप हो रहा है, खराब ना हो जाए। देखा मैंने तेरा, तभी तो बोल। ये देखो खराब हो जाएगा। सबसे पहले मम्मा पापा के रूम में आ गया हूँ, और इधर से बालकनी का व्यू दिखाता हूँ। पूल है और सामने देख रहे हो वो बीच है, हाँ वो लाइट चल रही है ना, वो बीच के अंदर है। सो जल्दी से आप सबको मैं रूम का टूर दे देता हूँ। तो ये लेटो, ये एंट्रेंस है, देन आई द मिरर है, कबर्ड, कबर्ड में ये स्लीपर सेट जो है सेफ गार्ड रखा हुआ है, देन मिरर, वाटर बॉटल्स, टी मेकिंग आइटम्स, फ्रिज आ दिया, फिर ये बाथरूम। अच्छा मैं नहा लिया इसलिए थोड़ा गीला गीला है। देन ये टू बेड्स हैं, अकेला मेरा ही है तो ये दोनों मर्ज ही है तो कहीं पे भी सो जाऊंगा मैं। देन ये कवर्ड है, इधर कवर्ड में ही ऐसे ऐसे है, ये देखो यस, ये सब है उधर, ये रखने का है, टीवी है बड़ा, ये है। ये देखो टीवी उधर बंद है, रेड लाइट चालू इधर से क्योंकि मैं चालू गया, बंद बंद। देन सेम रे लैम्प लाइट्स। सो यस, यही था रूम टू। अच्छा होटल है, बड़ा है, बाली में हम, तो चलो अभी मम्मा पापा के रूम में जाता हूँ। तो अभी डिनर करने आ गए, इधर खा गए हैं। ये हमारे होटल का ही है, और हाई टाइड है इधर तक आ गया, हाई टाइड है अभी। ये देखो ये इधर है बीच, ये प्राइवेट होटल का बीच है, ब्रह्मास बीच, बारी मेमोरीज आर मेड विद अस, नाइस। यो रात से पैक करा, तो अभी रूम तो आ गया, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, चार्जर नहीं लग रहा है। स्विच ऐसा है अंदर जाकर, अब मैं अडाप्टर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये घुस ही नहीं रहा अच्छे से, अंदर घुस ही नहीं रहा है। मैंने सारे लगा के देख लिए, अभी मैं रिसेप्शन जा रहा हूँ। पापा गए थे रिसेप्शन, तो उन्होंने बोला कन्वर्टर है जो बाहर आ जाएगा, लेकिन उनके पास वो USA वाला नहीं होता, ऐसा लाइन जैसा वो वाला है, दूसरा नहीं है। तो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, कहूँगा चार्जिंग तो करनी है, 34% है बस, तो चलो चलते हैं। ये मिल गया, लग गया। मैं पूछा मम्मा पापा के रूम में भी नहीं है ना, तो उन्होंने बोला एक ही है, तो मैं चार्ज करके अभी दे दूँगा उन्हें। और बहुत कंफ्यूजिंग होटल है भाई, बहुत बड़ा है, दो पूल है, एक में जैसे छोटे बच्चों के लिए स्लाइड्स वगैरह है, जैसे वाटर पार्क में होता है, वो बकेट भर के गिरता है, और एक बड़ा पूल है जिसमें पूल पार्टी भी कर सकते हैं, सब कुछ है। तो यस,
अभी मैं जा रहा हूँ अपने रूम की इधर। और ये पूरे होटल का मैप है, इधर टेनिस कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट भी है इधर, तो उधर भी जाएंगे। और ये पूरा अर्थक्वेक एंड सुनामी इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स है, मतलब इधर सुनामी अर्थक्वेक्स भी आते रहते हैं। या तो चलो अभी ट्राई करते हैं इसे लगाने का, लग रहा है या नहीं। द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, चार्जिंग हो रही है। सो यस, चार्ज अच्छे से हो रहा है, मैं रूम से भी आ गया और बस और क्या चाहिए। एंड बस व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।